हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको अच्छे से जितना पढ़ाया जाए, जितना जिस सीक्वेंस में आपको क्लासेस भेजे जाए, आप उसी सीक्वेंस में उसको प्रिपेयर करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा करेंगे। आपको सीक्वेंस को फॉलो करना होगा, जितना सिलेबस जिस सीक्वेंस में पढ़ा जाए उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होगा। आपकी चिंता करना आपसे ज़्यादा हम लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है और आपको बस अकॉर्डिंग टू अपने शेड्यूल चलते रहना है, हार्ड वर्किंग करते रहना है, पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी से पढ़ाई करते रहना है। और अब आपका जो पोर्शन डिलीट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको डायम मैग्नेटिज्म तक का डिस्कशन भेज दिया था। आगे पैरा, फेरो, हिस्टेरिसिस लॉस, ये टॉपिक हमने अभी स्टॉप कर दिया। अब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि चैप्टर 7 है आपका पार्ट 1 एनसीईआरटी का, वो हम डिस्कस करने चल रहे हैं। वो हमारे सिलेबस में है, उसको हमें प्रिपेयर करना है और उसको अच्छी तरीके से स्टडी करना है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इस पर किन साइंटिस्ट ने वर्क किया और वर्क करके उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले, ये हमें डिस्कस करना है। आइए हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, आइए देखें कि इसका क्ल्यू कहाँ से मिला, कहाँ से इसकी कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुई। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 1 की हम बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये कहता है कि कोई भी चार्ज क्यू हो ये अगर मोशन में हो, कोई भी चार्ज क्यू हो ये मोशन में हो, इसकी वजह से करंट आई प्रोड्यूस होती है और ये करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। मीन्स एक मूविंग चार्ज या करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक मूविंग चार्ज या करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये चार्ज क्यू है जो मोशन में है, जिसकी वजह से करंट आई प्रोड्यूस हुई और इसने मैग्नेटिक फील्ड बी को प्रोड्यूस किया। तो मीन्स ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब माइंड में क्वेश्चन ये अराइज हुआ, क्या इसका कन्वर्स नहीं पॉसिबल है, क्या उसका रिवर्स नहीं हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो जाए? मीन्स क्या इसका रिवर्स नहीं पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो जाए? तो इज कन्वर्स आल्सो पॉसिबल, क्या इसका उल्टा या कन्वर्स पॉसिबल नहीं है? ये बात कई साइंटिस्ट के माइंड में आई और उन्होंने इस पर थिंक करना स्टार्ट किया। तो माइकल फैराडे जो कि इंग्लैंड के थे, 1830 की बात है, जोसेफ हेनरी जो USA के थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने इस पर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके ये आंसर दिया, यस इट इज पॉसिबल। इट कन्वर्ट्स आल्सो पॉसिबल, क्या इसका कन्वर्ट्स पॉसिबल है कि एक मूविंग मैग्नेट हो, मींस ये मैग्नेट मूव कर रहा हो और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए, मींस करंट प्रोड्यूस हो जाए? तो माइकल फैराडे ने, जोसेफ हेनरी ने और कई साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्या इसका कन्वर्स नहीं पॉसिबल है कि मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमारी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए? क्या ये नहीं पॉसिबल है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, आंसर था यस। माइकल फैराडे इन 1830 परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड शोड दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग मैग्नेट, मींस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। 1830 में इंग्लैंड के साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये कंक्लूजन निकाला कि हाँ पॉसिबल है, अगर मूविंग मैग्नेट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना पॉसिबल है या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना पॉसिबल है।
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डी ओवर डी टी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डी ओवर डी टी का मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किया था तो हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया था जो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा था, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है और रिवर्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो सकता है। मीन्स दोनों पॉसिबल है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए। ये बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देखते हैं। अब इस और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा और चार्ज फ्लो होने लगेगा, और चार्ज फ्लो होने लगेगा तो वहाँ पर हमें करंट मिलने लगेगी। मीन्स करंट फ्लो करने लगेगी, क्या करंट मिलने लगेगी या करंट फ्लो करने लगेगी, फ्लो ऑफ करंट हो जाएगी। अब माइकल फैराडे ने 1830 में इंग्लैंड में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जब भी कोई मूविंग मैग्नेट किसी क्वाइल के पास पहुंचता है तो उस क्वाइल में डिफ्लेक्शन हो जाता है या क्वाइल में करंट फ्लो होने लगती है। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर फैराडे ने काम किया। ये उसी टाइम पर यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जोसेफ हेनरी वर्क कर रहे थे। दोनों साइंटिस्ट एक ही टाइम पर सेम टॉपिक पर वर्क कर रहे थे। जो बात जोसेफ हेनरी ने यूएसए में डिस्कवर की वही बात माइकल फैराडे ने इंग्लैंड में डिस्कवर किया। माइकल फैराडे को क्रेडिट देने के लिए इनको कैपेसिटेंस की यूनिट फैराडे रखी गई, चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट फैराडे बोलते हैं जिसको फैराडे कांस्टेंट बोला जाता है। और जोसेफ हेनरी को क्रेडिट देने के लिए इंडक्टेंस की एसआई यूनिट हेनरी होती है जिसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इंडक्टेंस क्या होता है। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वेंट हुआ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इस पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, उसका क्या कंक्लूजन रहा, उसका क्या रिजल्ट रहा, आइए हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। हेडिंग है एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। फैराडे और हेनरी ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए ये आप देखिए। ये कोई क्वाइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसके पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट रेस्ट में रखा हुआ है, ये मैग्नेट रेस्ट में रखा हुआ है, मैग्नेट रेस्ट में है, क्वाइल में ऑब्जर्वेशन क्या है, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, करंट जीरो है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। मीन्स अगर हमें क्वाइल के पास जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड हो एक मैग्नेट ला के रख दें और वो मोशन में ना हो तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं ऑब्जर्व किया गया, नो डिफ्लेक्शन, करंट गैल्वेनोमीटर में या क्वाइल में जीरो है। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ये क्वाइल है, इसमें ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, जब इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम क्वाइल की तरफ ले आते हैं तो उस केस में ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि क्वाइल का जो फ्रंट वाला फेस है जो मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ है ये नॉर्थ पोल बन जाता है और सेकंड वाला एंड साउथ पोल बन जाता है। गैल्वेनोमीटर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगती है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। ये ऑब्जर्व किया गया कि जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम क्वाइल की तरफ ले आते हैं तो क्वाइल का जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगता है और सेकंड एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगता है और उस केस में गैल्वेनोमीटर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाता है। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और डिफ्लेक्शन होने का मतलब ये हो गया कि अब क्वाइल में करंट फ्लो हुई, अब करंट जीरो नहीं होगी, करंट फ्लो हुई होगी। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन रहा। आइए थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन में जब इस मैग्नेट को दूर ले जाया जा रहा था, देखिए
सेल्स हैं, तो इसमें पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अब यहाँ पर साउथ पोल बन गया, यहाँ पर नॉर्थ पोल बन गया। अब कॉइल में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, जो पहले क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन था अब एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन हो गया गैल्वेनोमीटर में। तो अब इस केस में करंट अब भी फ्लो कर रही है, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन पहले की अपोजिट हो गई, अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। नेक्स्ट अगर हम डी केस में बात करें, यहाँ पर देखिए अब मैग्नेट के साउथ पोल को हम कॉइल के पास ले आ रहे हैं, तो इस केस में यहाँ फ्रंट वाला सरफेस साउथ पोल बनेगा और दो सेकंड वाला सरफेस नॉर्थ पोल बनेगा। अब भी कॉइल में डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अब डिफ्लेक्शन इस वाले के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, अब कॉइल में एक करंट फ्लो करेगी, अब भी करंट जीरो नहीं होगी। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया कि अगर हम इसको दूर ले जाएं, मैग्नेट को साउथ पोल को दूर ले जाएं, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाता है, ये वाला साउथ पोल बन जाता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है और अब भी करंट फ्लो करती है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, अब भी करंट फ्लो करती है, आई जीरो नहीं है। और नेक्स्ट में सबसे रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि अगर मैग्नेट को हम रेस्ट में ला दें, मीन्स अभी तक हम मैग्नेट को मूव करा रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मैग्नेट को मूव कर रहे थे, कॉइल हमारी रेस्ट में थी, मैग्नेट को मूव करा रहे थे, कॉइल हमारी रेस्ट में थी और हम डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेट को रेस्ट में रख दें, अगर कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव करें तब भी सेम यही ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब भी कॉइल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। और अगला ऑब्जर्वेशन देखें, अगर कॉइल और मैग्नेट दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में अगर मूव करने लगे तो अब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता गैल्वेनोमीटर में, करंट जीरो होती है। ओके, एक और ऑब्जर्वेशन था वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ, तब इनके रिजल्ट आपके साथ शेयर करूँ कि इनका कंक्लूजन क्या हुआ, इनका रिजल्ट क्या हुआ, ये आप देखिए। अब आइए हम नेक्स्ट और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये देखा गया कि अगर हम यहाँ पर टू कॉइल ले लें, एक को हम प्राइमरी कॉइल बोल दें, एक को सेकेंडरी कॉइल बोल दें, एक में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दें, एक में बैटरी और की कनेक्ट कर दें, तो जैसे ही हम की को क्लोज्ड करते हैं, जैसे ही की को क्लोज्ड करते हैं, जस्ट उसी क्लोज करते समय इस सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन पाया जाता है, इसमें करंट जो है फ्लो करती है और क्लोज करने के जस्ट थोड़ी देर बाद डिफ्लेक्शन इसमें जीरो हो जाता है। तो वन के इज क्लोज्ड देयर इज डिफ्लेक्शन इन द कॉइल में डिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया कि अब अगर ये की क्लोज है, थोड़ी देर बाद इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। अब जब हम की को ओपन करते हैं, अब हम की को ओपन करते हैं उस समय भी डिफ्लेक्शन आपके सेकेंडरी कॉइल में आता है और थोड़ी देर बाद डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। बट देयर इज ओनली मोमेंट्री डिफ्लेक्शन एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग द की, आफ्टर दैट डिफ्लेक्शन बिकम्स जीरो। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है केवल की को क्लोज करते समय और की को ओपन करते समय टू टाइम्स में डिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। और ये देखा गया कि अगर हम मैग्नेट को फास्ट मूव कराएं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, स्लो मूव कराएं तो डिफ्लेक्शन कम होता है। आइए देखें इनसे कंक्लूजन क्या निकला। इनसे कंक्लूजन ये निकला कि जब भी यहाँ पर देखें ये मैग्नेट यहाँ इस कॉइल के पास रखा हुआ था, तो इस कॉइल से जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही थी, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा था, वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, डिफ्लेक्शन जीरो है। इस केस में जब हम मैग्नेट को इसके पास ले आते हैं तो इस केस में इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंक्रीज करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें डिफ्लेक्शन होता है और करंट इस करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि ये सामने वाला पोल नॉर्थ पोल बनता है और ये मैग्नेट को रिपल करता है। इस केस में जब हम मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, वो डिक्रीज होता है, इस केस में भी डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर अपोजिट पोल बनता है जिससे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे,
करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि यहाँ साउथ पोल बने, ये मूविंग मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। यहाँ पर जब हम साउथ पोल को पास ले आते हैं तब बीच में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, फ्रंट वाला सरफेस साउथ पोल बनता है, ये नॉर्थ पोल बनता है और डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में होता है। यहाँ पर जब हम मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो इसमें से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होती है कि ये यहाँ पर नॉर्थ पोल बनाती है जिससे मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, डिफ्लेक्शन यहाँ पर होता है। यहाँ पर जब ये मैग्नेट रेस्ट में हो, कॉइल मूव करा रहे हैं, तब इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें डिफ्लेक्शन आपको गैल्वेनोमीटर में दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर जब दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन ना होने से इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, इसमें से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इससे ये कंक्लूजन निकला कि जब भी किसी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उस केस में उस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होती है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जब भी किसी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। अब कॉइल अगर क्लोज्ड है तो उसमें करंट प्रोड्यूस होती है जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। मीन्स किसी कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने पर कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का प्रोड्यूस होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब हम देखेंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और ये देखना पड़ेगा कि ये फ्लक्स हम चेंज किन किन मेथड से कर सकते हैं। जब ये मैग्नेट फास्ट मूव करेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा तेजी से चेंज होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। जब ये स्लो मूव करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्लो चेंज होगा तो आपका डिफ्लेक्शन जो है स्लो होगा। तो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितने फास्ट चेंज हो रहा है या कितने स्लो चेंज हो रहा है, मीन्स वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करेगा। आइए अब हम देखते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर क्या कंक्लूजन निकाला और अपना क्या ला दिया। ओके okay?